26 जनवरी सही डेट रहेगा, क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी पे गोली चलाई गई थी, तो इसी हफ्ते में वो भी घटना हुई थी। तो उसके बाद में हमने फिर कुछ सोचा नहीं। और रही बात पठान की, वो बहुत बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड मेहनती कलाकार हैं वो, और यशराज बहुत बड़ा बैनर है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। This question is Shreya Ghoshal. Shreya Ghoshal. Hi. You didn't recognize the voice? Rehman. Yeah. No, it's written here. Rehman, one question. Just now Santoshi ji told us that he informed us that one of that romantic song has been deleted, or it is there. It's not there in the film, rather. So what do you have to say? Will it be used later on by him in some film? And what did you feel like? No, I think it was right, because it would have made it like a conventional film, coming a love song. And it's not about the love story. It's about these two icons, yeah. So you didn't feel bad? No, I never feel bad. The film is more important. What if people walk off on the love story and come back? That's even more humiliating. I think the director knows when, how to engage an audience. So yeah, we always trust. Right. And just now you also said ki filmmakers are taking side. What exactly did you mean? Could you elaborate? You are cheeky. Santoshi ji, so it's with such an innocent voice you're asking me that. Santoshi ji, it needs a muscle power, you know, to book theaters. How many theaters have you got while your film is clashing with Pathan? Well, I've got a very, very good and a trustworthy releasing partner, PVR. PVR जो है बहुत ही honest है, अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने भी मुझे बहुत support किया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो जो इस फिल्म के लिए बेहतर होगा वो सारे थिएटर वो लॉक करेंगे और बेहतरीन रिलीज देंगे पिक्चर को, क्योंकि फिल्म पे उनका विश्वास है। उन्होंने फिल्म देखने के बाद ही नैना बिजली जी एंड दीपक शर्मा जी सारे लोग जुड़ गए थे पूरे विश्वास के साथ, तो अच्छा रिलीज़ करेंगे जो भी करेंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा उनके ऊपर। संतोषी जी, आई गॉट टू क्वेश्चन। एक्चुअली जैसे जैसे असाइनमेंट मिलते जाते हैं और जैसे जैसे करता जाता हूँ, वैसे वैसे इनर एनर्जी, इनर ऊर्जा वो ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और इसीलिए शायद मैं इतना क्वालिफाई हुआ कि इतने बड़े लीजेंडरी डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे चूज़ किया। जैसे चिन्मय जी ने बताया कि कैरेक्टर आपको चुनता है, आपको कैरेक्टर चुनने की ज़रूरत नहीं है। संतोषी जी, आई गॉट टू क्वेश्चन हियर इन। एक पूछना था कि चिन्मय जी आपका फर्स्ट चॉइस थे गोडसे की भूमिका के लिए? फर्स्ट चॉइस बिकॉज कई लोग भी, जो मैंने भी पढ़ा कि मैं शायद किसी राजकुमार राव को कंसिडर कर रहा हूँ, बहुत अच्छे कलाकार है राजकुमार राव, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये तय करते ही ये फिल्म बनानी है, मैंने सोच लिया था कोई भी इस्टेब्लिश एक्टर या स्टार को नहीं लूँगा, नए लोगों को ही लूँगा। तो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने इनका जिक्र किया, तो जब मुझसे मिले थे, पूरी दाढ़ी मूछी वगैरह थी, कोई रोल कर रहे थे, शायद शिवाजी कर रहे थे, पता नहीं कौन से कर रहे थे, बट मुझे इनकी आंखें दिखाई दी, दाढ़ी मूछी के अलावा उनकी आंखें दिखाई दी। बात करते हुए एक ईमानदारी लगी उनके बाद में, सिंसेरिटी लगी कि अच्छा काम करना चाहते हैं। अब वही मैं आर्टिस्ट में ढूंढता हूँ। ये बाद में मुझे पता चला कि NSD के स्टूडेंट है, NSD का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एक्टर दिए NSD ने, अब बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, और आप लोग सब देख चुके हैं, मैं क्या कहूँगा। मेरे लिए तो यह है कि मेरा सौभाग्य है कि दीपक अंतानी जी एंड चिन्मय, ये दो ऐसे एक्टर, और ये मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म पैंडेमिक के टाइम पे बनाई, इसीलिए 2 साल लग गए हमको पैंडेमिक के टाइम पे, सारे प्रिकॉशन लेकर धीरे धीरे बनाते गए, और फाइनेंस भी इकट्ठे कर रहे थे, साथ साथ में पैसे भी जोड़ते जा रहे थे, कोई मिल जाए कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा दे दे, फिर 4 दिन की शूटिंग उस तरह से किया। तो सारे आर्टिस्ट टेक्नीशियन ने फिल्म का पूरा सहयोग दिया,
तभी ये फिल्म कंप्लीट हो पाई है। मैं सबके लिए दिल से थैंक्स कहूँगा, शुक्रगुजार हूँ सबके लिए। चिन्मय जी आपकी तरफ बढ़ते हैं, मतलब इतिहास में वैसे भी कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर है गोडसे जी का, तो जब आपके पास ये भूमिका आई तो आपने क्या सोचकर हाँ कही फिल्म के लिए? कि ये फिल्म राजकुमार संतोषी सर की फिल्म है, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। How did you prepare for the role then? Well, the script was the first reference point, and there are a lot of reference materials like Nathuram Godse's speech and a few books that have been written. So, but my main reference point, my main guide guru was sir. संतोषी जी, मेरा एक सवाल आपसे है, ये हालांकि बहुत लोगों ने आपसे पूछा भी होगा, लेकिन मैं भी पूछना चाहती हूँ। गांधी जी के बारे में सब जानते हैं, गोडसे जी के विचारधारा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनको एक्सट्रीम में प्यार मिला है, जो उनके समर्थक हैं वो उनके लिए बिल्कुल मरने के लिए उतारू हो जाए ऐसे फैन हैं, लेकिन साथ में जो नफरत करते हैं वो भी उतनी ज़्यादा। अगर आप एक इसको अपने किरदार के रूप में या अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में देखते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं, मतलब अच्छाई या बुराई बैलेंस रूप में पाते हैं या फिर आप भी एक्सट्रीम में उनको सोचते? देखिए, ये फिल्म जैसे मैंने कहा शुरुआत की, मैंने बहुत क्लियर था मुझे कि मैं, और बनाते हुए पढ़ते हुए जानते हुए ये मैं कह सकता हूँ, जैसे आपने कहा गांधी जी के लिए भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करते हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं, याद करते हैं, कोट करते हैं, उतने ही बहुत सारे ऐसे लोग भी जो गांधी जी को बुरा भला कहते हैं, नफरत करते हैं गांधी जी से। अब नहीं, तब भी आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी, गोडसे से पहले भी कई बार हमला हो चुका है गांधी जी के ऊपर, गांधी जी की जान लेना चाहते थे, ऐसा नहीं है। तो फिल्म बनाते ये बात जो स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं समझा कि मैं यही कहूँगा कि गांधी जी अच्छे इंसान थे, भगवान तो नहीं थे, इंसान ही थे। इंसान में खूबियाँ भी होती है, खामियाँ भी होती है। उसी तरह से गोडसे भी जो है वो शैतान नहीं था, वो भी इंसान है। तो शॉर्टकमिंग्स, स्ट्रेंथ हर इंसान में होता है। तो उनको समझ, जैसे आपने कहा गांधी जी को सब समझते हैं, मुझे नहीं लगता है, जैसे सड़क पे जो भोपाल में उतर आए लाठी और आग लेके आगे जलाने की बात कर रहे हैं, गांधी जी का कोट कर रहे हैं, कहाँ समझते हैं गांधी जी को? गांधी जी को नहीं समझते हैं। तो ये फिल्म में मुझे ऐसा लगता है एक प्रयास जो हमने किया है, गांधी जी को भी बेहतर समझ पाएंगे। जैसे भगत सिंह में एक डायलॉग लिखा था भगत सिंह के लिए, आंखें मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक गुलामी है, यू हैव टू सी इट राइट परस्पेक्टिव, तभी उसको एक्सेप्ट करो। वो सही एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट भी सही रिस्पेक्ट है, जानकर। अनजाने में सब चार लोग जिंदाबाद जिंदाबाद बोले, मैं भी बोल दिया जिंदाबाद चार लोगों के सुनकर, वो रियल जिंदाबाद नहीं है वो। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्सन। तो इस फिल्म के बाद में गांधी जी को भी लोग बेहतर समझेंगे, जो कुछ बातें नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे वो, और गोडसे को भी जान पाएंगे कि भाई उसने क्यों किया। आई वांट टू बी प्रेसिडेंट। तनिषा जी, यू लुक वंडरफुल इन द सॉन्ग, एस्पेशली द वे यू लिप सिंग। आई वांट टू नो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट पोर्शन एंड कितने टेक्स हुए, एंड कैन यू एक्चुअली सिंग एज वेल? नो, आई कांट सिंग टू सेव माय लाइफ, बट आई वेंट थ्रू डेज ऑफ प्रिपरेशन। आई एक्चुअली वर्क विद अ सिंगर एज वेल, एंड यू नो शी रियली हेल्प मी, एस्पेशली द सरगम पार्ट। Who was that singer? Her name is Soumi. Okay. Yeah. So she helped me because I wanted it to seem as authentic as possible, and actually not that many retakes, surprisingly. मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं, मेरी फिल्म में तनिषा ने शुरुआत की है, ये बड़ी बात नहीं है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, पहली फिल्म में रहमान जी के सॉन्ग को लिप सिंक करने का मौका मिला है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फादर मैंने एक अच्छा एक ड्यूटी निभाया है बेटी के लिए कि वो उसको रहमान जी के गाने पर लिप सिंक करने का मौका मिला। श्रेया घोषाल्स मैम्स वॉइस। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रहमान साहब एंड राजकुमार संतोषी जी। सर, महात्मा गांधी जी वाज द वन, सर, या स्ट्रेट या इफ यू कैन सी माय हैंड, या सर, महात्मा गांधी जी वाज द वन हु एक्चुअली स्ट्रेंथन्ड द बॉयकॉट मूवमेंट इन इंडिया, यू नो, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बट आज के तारीख में हम जब बॉयकॉट की बात करें तो विदाउट महात्मा गांधी जी देर इज अ बॉयकॉट ट्रेंड हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, बॉयकॉट बॉलीवुड स्पेशली। रहमान साहब, स्पेसिफिकली टू यू, वाई डू यू थिंक बॉयकॉट बॉलीवुड ओनली हैपन्स एंड नेवर बॉयकॉट साउथ इंडियन मूवीज? वाई इज दिस ट्रेंड हैपनिंग एंड हाउ डिस्टर्बिंग इज इट एंड हाउ कैन वी स्टॉप एज आर्टिस्ट, व्हाट डू यू फील? मैं ये कहता हूँ कि उसके तरफ ध्यान न देते हुए हम एक आग्रह के साथ में अच्छी फिल्म बनाने के प्रयास में लगना चाहिए, वही इसका जवाब है और कुछ नहीं।
वो कुछ भी करते रहे, बॉयकॉट मूवमेंट करे, एक्सेप्टेंस वाला मूवमेंट करे, उसके कोई मायने नहीं है. योर गुड वर्क इज गोइंग टू सस्टेन एंड दैट गुड वर्क ओनली विथ सिंसियरिटी ट्रुथ के साथ में बनाएंगे, दैट इज ओनली गोइंग टू टेक यू हेड. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैं इस पर बहुत विश्वास करता हूँ. कर्म हमारे हाथ में है और कर्म को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करना चाहिए हमें, और फल की चिंता न करें. मुझे पूरा यकीन है अल्लाह कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, जीसस कहो, वो आपको आपके मेहनत ईमानदारी के हिसाब से फल देगा. बाकी इस ट्रेंड वगैरह को मैं मानता नहीं हूँ. अगर ये ट्रेंड सच्चा होता तो आज जो ओपनिंग की जिसने बात की पठान की, ओपनिंग कैसे लगती, वही लोग हैं. तो आई डोंट थिंक उस पर हमको जरा भी तवज्जो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उस तरफ. रहमान साहब, योर टेक, व्हाई इज बॉलीवुड ओनली टारगेटेड, नेवर साउथ इंडियन फिल्म्स? करेक्ट, इज शुड द आंसर करेक्टली. स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बनाओ इज द थिंग. सो या, वी विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन. अनदर थिंग, अनदर थिंग, मैं ये समझता हूं सब ठीक हो जाएगा. वेट, प्लीज वन सेकंड, बढ़िया है. One thing, very important thing, ये बहुत मैं भी सुन रहा हूँ, बॉलीवुड टॉलीवुड जो है इसके लकीर मिट चुका है. हमने एक्सेप्टेंस दे दिया है, चाहे वो बाहुबली हो, ट्रिपल आर हो, कंतारा हो, तब नेक्स्ट. अभी पूरी हिंदुस्तान जो है, इंडिया अपने आप पे होल है, तो हमें डिवीजन अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो वहाँ की पिक्चर है, यहाँ की पिक्चर है. अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, ये दो कैटेगरी रहेगी. देर इज नो अदर कैटेगरी. वी आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी थिंग गुड कमिंग फ्रॉम एनी टेरिटरी, एनी साइड. दिस इज ह्यूज. What's happened is huge, because there are so many stories I've heard in the 70s, 80s that people be stopped coming into North India and everything was broken. Bilkul. Ram Gopal Varma was. Aur iska shrey logon ko jata hai. Main logon ko salute karta hoon, unke spirit ko salute karta hoon, wo jo accept karne lage hain. Bina prant,